अपने रूटेड एंड्रॉयड डिवाइसेस में अगर आप अपने कस्टम रोम बेसिकली यूज़ करें, कस्टम रोम यूज़र्स की जब हम बात करते हैं तो आप यूजुअली कस्टम रोम्स चेंज करते हैं, ऐप्स का डाटा आपको बैकअप करना है, तो दो अभी फिलहाल सबसे बेटर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं स्विफ्ट बैकअप और डाटा बैकअप के नेम से। सबसे पहले बात करेंगे स्विफ्ट बैकअप की और इसमें कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, स्पीड वगैरह टेस्ट करेंगे। एग्जांपल के लिए ये है स्विफ्ट बैकअप, यहाँ पर एग्जैक्टली तीन ऐप्स जो मैं तीनों दोनों में ट्राई करूँगा, दोनों की स्पीड ट्राई करेंगे। मैंने यहाँ पर तीन ऐप्स को चूज़ किया, जियो सिनेमा, वन फॉर वॉल और प्रोटॉन वीपीएन। तीनों ऐप्स मैंने सिर्फ नॉर्मली इंस्टॉल करें जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। अब यहाँ पर देखिए एपीके प्लस डाटा और डिवाइस में मैं इसका बैकअप लूँगा। बैकअप पर मैंने क्लिक किया और आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर टाइम लेगा अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 seconds बोल सकते हैं यहाँ पर आपको लगे होंगे, और जब आप करेंगे डन दिस इज इट, इस तरह से आप यहाँ पर देखें ये स्पीड आपको देखने मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे डाटा बैकअप ऐप की, जो कि एक ओपन सोर्स यहाँ पर ऐप देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर जब आप इसे चूज करेंगे, जब आप यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे डाटा जो है बैकअप होना स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे दोबारा से क्लिक करना पड़ेगा, फिर ये ऐप्स का डाटा बैकअप होना स्टार्ट होगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पर्सनली स्पीकिंग मुझे दोनों में कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स डेफिनेटली आपके डिवाइस में जब जो भी ऐप्स आप चूज़ करेंगे उसमें डाटा कितना है, उन सब चीज़ों को देखते हुए आपको स्पीड में डिफरेंस देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें मेजर डिफरेंसेस की, स्विफ्ट बैकअप और डाटा बैकअप में। फिलहाल अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा स्विफ्ट बैकअप में, आप यहाँ पर ऐप्स के साथ साथ मैसेजेस और कॉल लॉग्स दोनों का बैकअप ले सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली डाटा बैकअप में फिलहाल ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, लेकिन डाटा बैकअप में भी यहां पर एक यूनिक चीज, काफी अच्छी चीज हमें देखने को मिल जाएगी। क्या आप अपने स्टोरेज में से किसी स्पेसिफिक फोल्डर को भी आप यहां पर बैकअप कर सकते हैं, सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग जो आपको स्विफ्ट बैकअप में देखने को नहीं मिलेगा। अब यहां पर देखिए जो भी फोल्डर को आपको चूज करना है उस फोल्डर को आप सिलेक्ट कीजिए, उस फोल्डर को आप पिक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, इट्स टोटली ऑप्शनल। ये आप जब चूज करेंगे ओके पे क्लिक करेंगे डन। अब यहाँ पर आप सभी फोल्डर्स को, जो भी फोल्डर्स आप चूज़ करेंगे, यानी कि बेसिकली आप यहाँ पर मीडिया का बैकअप भी ले सकते हैं जो आप अनफॉर्चुनेटली स्विफ्ट बैकअप में नहीं ले सकते। तो यहाँ पर एक हमें मेजर डिफरेंस दोनों में देखने को मिल जाएगा। इट डिपेंड्स कि आपको कौन सा यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है। इसके साथ साथ जब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर स्विफ्ट बैकअप और स्विफ्ट बैकअप में जो मैसेजेस और कॉल लॉग्स का जब बैकअप ट्राई किया, इट वॉज जस्ट सुपर फास्ट। डिपेंड करता है कि आपके डिवाइस में कितने मैसेजेस या कॉल लॉग्स हैं, फिर भी इसके बैकअप की स्पीड काफ़ी फास्ट है। पर्सनली स्पीकिंग ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो मुझे स्विफ्ट बैकअप में थोड़ी सी बैकअप स्पीड ज़्यादा लगी। ऑफकोर्स मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस तो देखने को मिलेगा। स्विफ्ट बैकअप में आपके पास यहाँ पर दो तीन और ऑप्शंस एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर अपने डिवाइस की जो डिफॉल्ट वॉलपेपर है उसको सेटअप कर पाएंगे, उसको बेसिकली बैकअप कर पाएंगे, वाईफाई नेटवर्क को भी बैकअप कर पाएंगे, और ये सब ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको एक प्रीमियम का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर आप नॉर्मल फ्री वर्जन यूज़ करेंगे तो आप डेफिनेटली इसमें फ्री वाले ऑप्शंस को चूज़ करेंगे। आपके पास यहाँ पर प्रीमियम का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपके पास क्लाउड बैकअप का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और क्लाउड बैकअप में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो बेसिकली अगर आप इसका प्रीमियम वाला प्रीमियम इसको चूज़ करेंगे तो आप इसमें क्लाउड बैकअप को यूज़ कर पाएंगे। लेकिन वहीं अगर हम डाटा बैकअप की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको क्लाउड बैकअप का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन बिल्कुल फ्री में। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस यहाँ पर देखने को ये मिलेगा कि फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें आपको गूगल ड्राइव और ये सब बैकअप के सपोर्ट अनफॉर्चुनेटली देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि स्विफ्ट बैकअप में अवेलेबल है। लेकिन स्विफ्ट बैकअप में यू डेफिनेटली यू नो कि स्विफ्ट बैकअप में जब आप बैकअप करेंगे क्लाउड में, तो यू नीड अ प्रीमियम वर्जन, जो कि आपको वहाँ पर पे करना पड़ेगा। डाटा बैकअप में ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम ऐप्स को रीस्टोर करने की बात करें तो आप यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर जो ऐप्स अवेलेबल हैं आप डायरेक्टली चूज़ कर सकते हो। इसमें एक और चीज़ है, जब आप यहाँ पर देखिए, जब आप यहाँ पर ऐप्स को रीस्टोर करते हैं, डाटा बैकअप की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं। जब आप इसकी सेटिंग्स में भी चलेंगे आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ ऑप्शंस आपको आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है एज़ कम्पेयर टू स्विफ्ट बैकअप। अगर आप यहाँ पर देखें तो रीस्टोर सेटिंग्स, बैकअप सेटिंग्स, दो ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो आपको शायद काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लग सकते हैं, डिपेंड करेगा आप क्या चूज़ करें। जब बैकअप सेटिंग्स की बात करेंगे तो यहाँ पर भी दो तीन बहुत ज़्यादा यूज़फुल ऑप्शंस दिए गए हैं। जब हम बात करते हैं इन सब के अलावा यहाँ पर ऐप्स को रीस्टोर करने की, जो मैंने यहाँ पर ऐप्स को रीस्टोर किया, तो यहाँ पर एक और चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, बैकअप यूज़र यानी बेसिकली रीस्टोर यूज़र, कि आप इस बैकअप को एक यूज़र से, यानी कि अगर आप मल्टीपल यूज़र्स यूज़ करते हैं एक डिवाइस में, तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न जिसकी वजह से मुझे डाटा बैकअप काफ़ी ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू स्विफ्ट बैकअप, क्योंकि स्विफ्ट बैकअप में आपको ये ऑप्शंस देखने को नहीं मिलेंगे। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस लग रहे हैं
हैं कि स्विफ्ट बैकअप में क्या चीज़ अवेलेबल है, क्या चीज़ मैंने मिस कर दी है। मुझे आपका फीडबैक काफ़ी पसंद आएगा। हम बात करेंगे स्विफ्ट बैकअप में अगर ऐप्स को रीस्टोर करने की, तो यू नो बहुत सिंपल से ऑप्शन है, डायरेक्टली आप यहाँ पर रीस्टोर कर पाएंगे। स्पीड के मामले में आई वुड डेफिनेटली से स्विफ्ट बैकअप थोड़ा सा आपको यहाँ पर बेटर रिस्पॉन्स देगा एज कम्पेयर टू डाटा बैकअप। उसके अलावा मेजर डिफरेंसेस कुछ नहीं है, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कौन सा आपको चूज करना और क्यों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप इस चैनल पर नए हैं तो रूटेड यूजर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है।